हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल 23 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब एग्जांपल 24 देखते हैं। अ मनी लेंडर बोरो मनी एट 4% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ही लैंड्स इट एट 6% पर एनम, पेबल हाफ ईयरली एंड रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। दिस वे ही गेन्स रुपीज दिस इन अ ईयर। हाउ मच मनी डज ही बोरोज। सबसे पहले आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, देन आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अब देखो स्टूडेंट, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अ मनी लैंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम। एक मनी लैंडर जो है वो कुछ पैसे बोरो करता है 4% एनम पे, पर ईयर पे, एंड दी पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट देता है इन वन ईयर में, एंड दी लैंड इट एट 6% पर एनम पेबल, ठीक है, और वो 6% ब्याज पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसे लेता है, ठीक है। देन उसे टोटल जो अमाउंट गेन होता है वो गेन होता है 104.50 अ ईयरली, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि उसने टोटल कितने पैसे बोरो किए थे, ठीक है। तो देखो, लेट दी प्रिंसिपल कितना है, रुपीज़ 100 मान लो, आर परसेंट कितना है 4%, ईयर कितना है 1 ईयर, निकाल दो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, रुपीज़ 4 रुपीज़ आएगा आपके पास। अब क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल दिया, अब अमाउंट निकालोगे, ठीक है, अमाउंट निकालो। देन दी मनी लैंडर्स 6% पेबल हाफ ईयरली एंड रिव्यू द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज़, रेट कितने 6%, हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड कर दो इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दो टाइम को। देन अमाउंट निकाल दो, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर t कर दो। r क्या है 3 और टाइम क्या है 2, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 106.09 रुपीज़, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, अमाउंट आपके पास इतना है, प्रिंसिपल कितना था 100 रुपीज़, माइनस कर दो कितना आ गया दिस, जो उसने गेन किया उसमें कितना डिफरेंस है, उसने गेन क्या किया है 4 रुपीज़ और कंपाउंड इंटरेस्ट से रुपीज़ कितने थे 6.09, तो टोटल कितने रुपये का डिफरेंस आया उसका 2.09 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब देखो 2.09 रुपीज़ का डिफरेंस 100 रुपीज़ पे आए, ठीक है, तो 1 रुपये का डिफरेंस कितने पे आएगा 100/2.09 पे, और 104.50 पे कितने रुपये का आएगा 100/2.09 × 104.50 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5000। ये क्या आ गया उसके पास जिसने जितने पैसे उसने लिए थे, ठीक है। हैंस प्रूव्ड एग्जांपल 25 देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट दिस 3 ईयर इफ इंटरेस्ट इन पेबल ऑफ हाफ ईयरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स बींग 6% एंड फॉर द थर्ड ईयर 9%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, रुपीज़ इतना है, प्रिंसिपल 3 ईयर के लिए है, जो फर्स्ट 2 ईयर है उस पर तो 6% का है और लास्ट ईयर जो है उस पर 9% का है, ठीक है, और ईयर कैसे है हाफ ईयर है, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। टाइम को यहाँ 2 से 2 ईयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 1 ईयर है थर्ड का तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है दिस, टाइम कितना है 4 हाफ ईयर, रेट कितना है 3 हाफ ईयरली, डाल दो अमाउंट इज इक्वल टू दिस, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा दिस के इक्वल। अब क्या करोगे, लॉग से सॉल्व कर दो, बोथ साइड लॉग ले लो, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग दिस इंटू लॉग दिस, लॉग दिस पे लगाओगे तो क्या आएगा 4 आगे आ जाएगा, 4 log 1.03, लॉग की वैल्यू क्या होती है 6950 पे दिस एंड 1.03 पे क्या होती है दिस, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो क्या आ जाएगा दिस के इक्वल। ए क्या है, लॉग ए क्या आ गया दिस के इक्वल, एंटी लॉग लगाओगे 3.8932 पे क्या आएगा दिस, ये आपके पास क्या आ गया अब प्रिंसिपल आ गया 2 ईयर के बाद, ठीक है। अब इस पे कितने परसेंट का लगेगा 9% का, लगा दो प्रिंसिपल इतना, टाइम 2 हाफ ईयर, रेट कितना है 9/2 हाफ ईयर, लगा दो अमाउंट इज इक्वल टू दिस, सॉल्व करेंगे क्या आएगा दिस के इक्वल, बोथ साइड लॉग ले लो, लॉग दिस इंटू लॉग दिस 2 पावर आगे आ जाएगी, लॉग 1.045 पे वैल्यू क्या है 0.0191, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से और ऐड कर दो इसमें क्या आएगा 3.9314। अब ए की वैल्यू निकालोगे अमाउंट की तो एंटी लॉग कर दो इसका, एंटी लॉग करोगे तो क्या आएगा 8539। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है,
अमाउंट कितना था हमारे पास 6950 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 8539। माइनस कर दो क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1589 रुपीज़ क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। हेंस प्रूव्ड एग्जांपल 26 देखो डिवाइड रुपीज़ दिस इनटू थ्री सच पार्ट दैट देयर अमाउंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट इन टू सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली मे बी इक्वल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो इतने रुपए को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कितने पार्ट्स में थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट्स पे 5% कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल क्या होएगा एक बार एक्स बना मान लो एक बार वाई मान लो एक बार जेड मान लो अमाउंट निकालना है अमाउंट इज इक्वल टू एक्स पे क्या आ जाएगा 1 + 5/100 टाइम कितना है सेकंड 2 फिर प्रिंसिपल कितना आएगा वाई टाइम क्या हो जाएगा 3 फिर प्रिंसिपल क्या आएगा जेड टाइम कितना हो जाएगा 4 तीनों को इक्वल रख दो ये लो यहाँ से ये इक्वल कर दिए ठीक है इक्वल कर दिए। अब क्या करोगे 1 + 5/100 की पावर 4 है यहाँ से इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दो इस वाली टर्म से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स बाय दिस वाई बाय दिस एंड जेड बाय 1 यहाँ क्या आ जाएगा जेड बाय 1 ठीक है। जब जेड बाय 1 आ जाएगा अब क्या करोगे इन टर्म को सॉल्व करोगे 1 + 5/100 को की पावर 2 है तो क्या करोगे 1/20 लिख सकते हो आप इसको जब 1/20 करोगे तो क्या हो जाएगा 21/20 कर सकते हो आप इसको 21/20 यहाँ भी 21/x / 21/20 y / 21/20 इज इक्वल टू z/1 ये कर दोगे। अब क्या करोगे यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लोगे x का रेशो क्या आएगा इसका स्क्वेयर खोल दोगे क्या आ जाएगा 441/400 आ जाएगा x इक्वल टू दिस के y रेशो दिस एंड जेड रेशो दिस के। अब इन टोटल का सम कर दोगे सम ऑफ रेशो ठीक है टोटल अमाउंट कितना था प्रिंसिपल हमारे पास 36305 इस पे से हमें किसका परसेंट निकालना है किसके रुपीज़ निकालने हैं मान लो ए के निकालने हैं 441 के तो इन टोटल का सम 441 अपॉन में इन टोटल का सम इनटू प्रिंसिपल टोटल अमाउंट ठीक है इक्वल टू क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट फिर 420 का निकाल दो और फिर 400 का निकाल दो ठीक है। ये आपके पास जो इक्वल पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 6305 रुपीज़ का जो हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो दिस हुआ हैंस प्रूव्ड ठीक है। एग्जांपल 27 देखो अ मैन डिपॉजिट इतने रुपीज़ इन बैंक सच अ वे सच डैट ईच ऑफ हिज टू सन गेट द सेम अमाउंट व्हेन दे अटेन द एज 21 नाउ एल्डर सन 17 एंड यंगर 15 ओर्स years old if the rate of interest 5% and CI find the sum of deposit in account of the son। हमें क्या बताना है कि इतने रुपये कोई पर्सन जो है वो सबमिट करवाता है डिपॉजिट करवाता है ठीक है जब वो अपने दो बेटों के नाम करवाता है ये डिपॉजिट ठीक है देन जब वो डिपॉजिट करवाता है तो उसके बेटे की एक बेटे की एज होती है 17 और एक की होती है 15 ठीक है और उनकी एज 21 तक बतानी है ठीक है 21 के बाद वो इनको निकलवा सकते हैं ठीक है। देन हमें ये बताना है कि इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा ठीक है। तो देखो रुपीज़ 100 पे यहाँ से आप अल्टरनेट मेथड देखो इनका P1 + P2 के लिए कितने रुपए सबमिट करवाए उसने डिपॉजिट करवाए उसने इतने रुपए डिपॉजिट करवाए हैं ठीक है अमाउंट निकाल दो P1 पे अमाउंट निकालो A इज इक्वल टू P1 × 1 + 5/100 5% पे किया है टाइम कितना है देखो टाइम कैसे निकालोगे आप इसका ये देखो 21 में से 17 माइनस करोगे तो 4 ईयर बचेंगे इसके लिए और यहाँ 21 में से 15 माइनस करोगे तो 6 ईयर बचेंगे तो इसके जो रुपीज़ डिपॉजिट हुए हैं वो तो 4 साल के लिए हुए हैं और इसके लिए जो हुए हैं वो 6 साल के लिए हुए हैं ठीक है। तो देखो P1 के लिए 4 साल के लिए और P2 के लिए 6 साल के लिए हुए हैं
ठीक है, तो क्या करोगे इसको सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा 21/20 की पावर 4 P1 आ गया, और P2 क्या आ गया 21/20 की पावर 6। तो यहाँ से P2 की वैल्यू निकाल दी आपने, क्या किया इसको डिवाइड में ले गए, यहाँ पावर 4 थी यहाँ 6 थी, 4 पावर कैंसिल होगी, क्या बचेगी 21/20 की पावर 2। ठीक है, तो P2 क्या आ जाएगा आपके पास 400/441 P1 आ जाएगा। अब ये P2 की वैल्यू निकाल दी आपने, अब इस P2 की वैल्यू को यहाँ P2 की जगह पुट कर दो, ठीक है, और P1 को कॉमन ले लो, P1 को कॉमन ले लो, देन LCM ले लोगे क्या आ जाएगा 441 + 400/441 आ जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे आप 841/441 आ जाएगा P1 × 2। ठीक है, P1 की वैल्यू निकालोगे तो इस वाली टर्म को इधर डिवाइड में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा P1 क्या आएगा 12615 × 441/841। और उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगी P1 की वैल्यू, ठीक है, और P1 की वैल्यू यहाँ डाल के P2 की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, एग्जांपल 28 देखो, ए कैपिटल एक्सीड बी एंड कैपिटल बाय 441/400,